जिस घाटी में आतंक को नेस्तनाबूद करने के लिए सुरक्षा बल और सरकार लगातार कोशिशों में जुटे हों, जिसकी सुरक्षा देश के प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दों में से एक हो, जहां पर आतंक का साया सत्ताधीशों की माथे की सबसे बड़ी शिकन हो, वहां गुरुवार की रोज आई एक खबर ने फिर पूरे देश को दहला कर रख दिया। पुलवामा में हुए फिदायीन हमले में 37 सीआरपीएफ जवानों की शहादत ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। हर कहीं शोक की लहर फैल गई। देशवासी स्तब्ध होने के साथ आक्रोशित हो गए। हर किसी की जुबान पर बस एक ही मांग थी कि हमें चाहिए शहादत का बदला। उनको भी हमला कर दिया जाए, देश का यही कार्यक्रम है, उनका भी उनको भी बलिदान कर दिया जाए। जैसे हमारे वहाँ की सेना बलिदान हो चुकी, उसी तरह से वह लोग भी बलिदान कर दिए जाए। भारत सरकार इसका निर्णय वह लेगी, हम तो लेंगे नहीं, उसका निर्णय तो सरकार लेगी। हम घर पे नहीं थे, हम गए थे गोरखपुर, वहीं पे रहते हैं, तो घर से फोन गया, हम घर से तुरंत गए वहाँ पे, पहुँचे तो घर से फोन गया कि ये भैया नहीं है, वहाँ से पता चला है और कुछ नहीं खास, हम तुरंत वहाँ से आए, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और उनको मार दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिनों तक के अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए। केंद्रीय सुरक्षा समिति की अहम बैठक में लंबा मंथन हुआ। गृह मंत्री जमीनी हालातों को जानने के लिए कश्मीर निकल गए। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिया देश के जवानों की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। कुल मिलाकर एक निर्धारित समय में सरकार जो कर सकती है उसने वो हर कुछ किया, लेकिन अब सवाल आकर ठहर गया है कि जवानों की शहादत का बदला वो कैसे लेगी, आने वाले समय में क्या कुछ एक्शन ले सकती है सरकार। आइए आपको बताते हैं। पुलवामा में फिदायीन हमले का बदला लेने के मूड में मोदी सरकार। चुनाव के वक्त सरकार देश को युद्ध में धकेलना नहीं चाहती। रक्षा विशेषज्ञों ने सरकार को फिर से सर्जिकल स्ट्राइक का ऑप्शन दिया। भावलपुर में जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय पर सर्जिकल स्ट्राइक संभव। सरकार पाकिस्तान से मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा वापस लेगी। करतारपुर कॉरिडोर पर बातचीत से भी पीछे हट सकता है भारत। पाकिस्तान का समर्थन करने वाले अलगाववादियों पर भी कार्रवाई संभव है। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी कि हमले के पीछे जो ताकतें हैं, इस हमले के पीछे जो भी गुनहगार है, उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। पुलवामा में आतंकी हमले की चौतरफा निंदा हो रही है। इसी बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस घटना को शर्मनाक बताया है। राहुल ने साफ कहा आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश और कांग्रेस सरकार के साथ है। आतंकवाद देश को बांटने तोड़ने की कोशिश करता है। इस देश को कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती है, बांट नहीं सकती है। पूरा का पूरा ऑपोजिशन एक साथ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ और सरकार के साथ खड़ा है। ये जो हमला हुआ है, ये हिंदुस्तान की आत्मा पर हमला हुआ है। हमारे जो सबसे जरूरी लोग हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के, उनके खिलाफ हुआ है और हम उनके साथ खड़े हैं। सुरक्षा बलों पर हुए इस हमले पर सियासत भी खूब परवान चढ़ी है। विरोधी दल जहां मोदी सरकार से हिसाब मांग रहे हैं, तो सरकार बार बार इस पर राजनीति ना करने की दुहाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर हमले के विरोध में सड़क पर उतरे लोग अब सरकार से शहादत का बदला लेने की अपेक्षा कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि सरकार घाटी में आतंकवाद के खिलाफ क्या एक्शन लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं बात मुद्दे की, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। पुलवामा में आतंकी हमले से पूरे देश में आक्रोश है। पीएम मोदी कड़ा संदेश भी दे रहे हैं, विपक्ष भी सरकार के साथ है। हर तरफ से एक ही आवाज है, इस
कृत्य का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। कूटनीतिक घेराबंदी और सैन्य कार्रवाई दोनों की उम्मीदें लगाए बैठा है देश। ये एक बड़ा सवाल है कि हमारा अगला कदम क्या होगा। जी हां, यही हमारा आज का विशेष पाकिस्तान तेरी खैर नहीं। इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे समूह के सलाहकार संपादक रमेश शर्मा जी, साथ ही वरिष्ठ बीजेपी नेता शैलेंद्र प्रधान, कांग्रेस के प्रवक्ता दुर्गेश शर्मा, और मेरे साथ हैं पुरुषोत्तम तिवारी, पूर्व सैन्य अधिकारी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पुरुषोत्तम जी, कल से अपील की जा रही है कि इस पे सियासत ना की जाए। बड़े सियासी जो राजनेता हैं वो कोशिश भी यही कर रहे हैं कि एक मौका सरकार को दिया जाना चाहिए और पूरी दुनिया में एक संदेश जाए कि हम एकजुट हैं। इसीलिए सियासतदानों के पहले मैं आपके तरफ आता हूँ, आपसे समझने की कोशिश करता हूँ कि आखिर इस तरह के हादसे, इस तरह की घटनाएं, और ये तो सुनियोजित घटना है, इसे सेना की निगाह से कैसे देखा जाए और अब सेना क्या उम्मीद करती है? सर्वप्रथम मैं तो अपने आज की घटना में, जो ये आतंकवादी पुलवामा में घटना हुआ है, उस पर वीर हमारे भारत के वीर सपूतों और जवानों की जो शहादत को पाए, उनको मैं अपने पूरे भूतपूर्व सैनिकों की तरफ से, पूरी भारतीय जनता की तरफ से मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और उन माताओं, बहनों और पत्नियों को जिन्होंने अपने लाल, अपने भाई और अपने सुहाग को न्यौछावर कर दिया है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि वो उनके इतनी बड़ी कठिन परिस्थिति में उनको साहस और धैर्य प्रदान करें कि जो इस तकलीफ को वो बर्दाश्त कर सकें। और हम पूरे सेना, भारतीय जनता, देश हिंदुस्तान की जनता सब उनके साथ में हैं। अब बात आती है कि इस घटना की जो कितनी कड़े शब्दों में भर्त्सना की जाए, निंदा की जाए, वह बहुत ही कम है। अब हम उनसे सवाल करते हैं कि जो ये अलगाववादी नेता हैं, जो घाटी में अलगाववाद पैदा करते हैं, उनसे ये मैं जानना चाहूँगा कि आज, और जो पत्थरबाजों को माफ़ करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, हमारे सेना के ऊपर पत्थर चलाते हैं, आज वो मानवाधिकार की दुहाई देकर उनको छुड़ाते हैं, आज बताइए हमारे देश के सैनिक देश की रक्षा करते करते उनको इस आतंकी घटना से वो शहादत को पाए, आज उनका कहाँ गया मानवाधिकार, कहाँ गया उनकी ये पत्थरबाजों को छुड़ाने की घटना? तिवारी साहब, मैं आपसे, मेरा सवाल ये है कि आप क्या सोचते हैं सरकार को क्या करना चाहिए, सेना को किस तरह के अवसर मिलने चाहिए? बिल्कुल, अभी ये सवाल है मेरा। हाँ बिल्कुल, हम अभी सरकार ने हमारे सेना को फ्री हैंड दिया है, अब सरकार को आर पार की लड़ाई और करना है। हम अब बहुत बर्दाश्त हो गया, हमको अब सहते सहते थक गए हैं, अब हमारी सेना को फ्री हैंड जो दिया गया है और हमारी आर पार की लड़ाई करना है, अब बर्दाश्त से बाहर हो गया। फ्री हैंड तो पहले भी हमने दिया था, और लेकिन ये जो भी कुछ घटना हुई है इसको देश सहन नहीं कर पा रहा है, हर तरफ इसको लेकर हाहाकार है और सभी चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई हो। चलिए मैं आपके पास एक बार फिर लौटूंगा। प्रधान साहब, क्या कहेंगे अब, क्या रणनीति होनी चाहिए आगे हमें, और क्या करना चाहिए हमें, और पूरा देश इस तरह के मामले में एकजुट बना रहे? आप सत्ता पक्ष हैं तो सबसे अधिक जवाबदारी भी आपकी है। देखिए, जो वातावरण निर्मित हो रहा है,
जो देश की जनता का की भावना है वो तो निश्चित ही पाकिस्तान को दंड देने की है। आक्रमण करना वैसे अभी सरकार ने निर्णय लिया है, मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस वापस लिया है, साथ ही कहा है कि हमने डिफेंस फोर्सेस को ओपन हैंड दिया है, साथ ही कल विदेश सचिव पांच जो पावरफुल नेशंस हैं चाइना रशिया यूएस फ्रांस और यूके उनके राजदूतों से बात कर रहे हैं। एक वातावरण बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान आइसोलेट हो, पर मुझे लगता जनता की भावना इससे कुछ ज्यादा है। पर सामने चुनाव भी है, अगर हम अभी इस वक्त आक्रमण करते हैं तो इसको अन्यथा ना लिया जाए, इसलिए कल सभी विपक्षी दलों की बैठक है, उसके बाद जो सर्वसम्मति से भाव सामने आएगा उस पे सरकार निश्चित ही सख्त से सख्त कदम उठाएगी। दुर्गेश शर्मा, सबसे पहले तो मैं उन शहीदों को शत शत नमन करता हूं, और देश में आज जो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है इस घटने की मैं निंदा करता हूं, साथ ही सरकार से आह्वान करता हूं, मांग करता हूं कि अब सरकार ने जो पिछली घटनाओं के बावजूद, पहली घटना नहीं है, पिछले कुछ चार वर्षों के अंदर लगभग 400 से ज्यादा सैनिक हमारे देश के अंदर ही मार दिए गए इस दुर्भाग्यपूर्ण बात का, और जो आज घटनाएं घट गई हैं या जो इससे पहले घटी हैं उसके बावजूद भी यदि हमने पाकिस्तान को अपना फेवरेट मान रखा था, जो ये गलतियां हमने करी हैं इन गलतियों का माकूल जवाब दे। सेना को फ्री हैंड दिया है, फ्री हैंड देने के साथ साथ सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए राजनीति को दूर कर आगे बढ़ के आए, सरकार स्पष्ट आदेश दे सेना को कि अब आर पार की लड़ाई जरूरी है। पाकिस्तान आज फिर चाह रहा है कि उसको और खंड खंड में बांटो, उसको तोड़ के रख दो, ये आज की मांग है। आज याद आती है इंदिरा जी, उन्होंने देखा कि देश को दिक्कत दे सकता है पाकिस्तान और बांग्लादेश, एक था वो हमारे लिए सरदर्द था, आए दिन बमबार्डिंग करता था, दो भाग में बांट दिया, दिखाई अपनी क्षमता अपनी ताकत अपने देश की पहचान को बरकरार रखने के लिए, देश को और बल ताकतवर बनाने के लिए पाकिस्तान को दो भाग में बांटा। आज स्थिति फिर वही निर्मित है, आज हमारी असमत पे हमला हो रहा है, आज हमारी पूरी भारत की आत्मा को लहूलुहान कर दिया है। आज हमको जवाब देना है और उसी तरीके से देना है जो हमने बंगला पाकिस्तान का अलग करके दिया था, उस बात को दोहराना है, पाकिस्तान को फिर एहसास दिलाना है कि तुम मैं कुछ नहीं हो, तुम जर्रा हो, और जो तुम ये कर रहे हो धोखे से, इस धोखे का जवाब हम सीना तान के सामने से देंगे। केवल बोलने से कुछ नहीं होगा, अब करने का समय है। सेना अपनी तरफ से जो प्रयास करेगी, जो सेना कार्रवाई करेगी वो बहुत अच्छी बात है, पर सरकार को उसके कदम से कदम मिला के सारी सहूलियतें उनको दें, सब जितना फंड है जहां फंड है रोक दे, सेना को दे, और सेना को पूरी ताकत दें कि सेना अब पाकिस्तान को उसकी सही जगह सही स्थान दिखा पाए। रमेश शर्मा जी, एकजुट होने का समय है, सारा देश एकजुट है भी, हाँ सवाल तब भी बरकरार है, सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल किए भी जाएंगे, लेकिन अभी सभी यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब और नहीं। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, इस समय वाकई पूरे देश को एकजुट होने की ज़रूरत है। जैसी एकजुटता हमने 1971 में पाकिस्तान के समय देखी या कारगिल के समय देखी, 71 में इंदिरा जी थी प्रधानमंत्री, कारगिल के समय अटल जी थे प्रधानमंत्री, पूरा देश प्रधानमंत्रियों के पास खड़ा था, उनसे अपेक्षा कर रहा था कि वो त्वरित कार्रवाई करें और अच्छी कार्रवाई करें। उन सरकारों ने बहुत अच्छी कार्रवाई की और जिसका देश भर ने उसकी प्रशंसा की। राहुल गांधी जी ने जो आज कहा मैं उसकी बिल्कुल प्रशंसा करूँगा, उन्होंने कहा कि हम
विपक्ष संसद सरकार के साथ है, सेना के साथ है, इसी तरह की एकजुटता की जरूरत है। पीछे क्या हो गया, पीछे अगर हमने कुछ गलती भी की है, कुछ अच्छा काम भी किया है, उसको अब कोई बदल नहीं सकता। एक बार कृष्ण ने द्रौपदी से कहा है कि पीछे जो हो गया है उसको मैं भी नहीं बदल सकता, उसको कोई नहीं बदल सकता। केवल इतना है कि कुछ अगर हमसे चूकें हुई हैं, उन चूक को सुधार करके भविष्य में कदम उठाने की जरूरत है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, सेना को जिस तरीके से फ्री हैंड दिया है, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो ऊपर तो हम देते हैं सुविधाएं, लेकिन भीतर कुछ बातें हैं उसमें कंजूसी भी करते हैं। मैं समझता हूँ सरकार को इस मौके पर जितने भी तरह की सहूलियत और सुविधाएँ होनी चाहिए वो सेना को दिया जाना चाहिए। इसमें देशवासियों से भी मैं ये कहूँगा, निश्चित रूप से सबका खून खोल रहा है, लेकिन दिमाग को ठंडा रख करके उचित समय का इंतज़ार करें। जैसा उरीक में जो हमला हुआ था उसका जैसा बदला लिया था, मैं समझता हूँ उसी ताकत के साथ ये बदला लिया ही जाए। जब तक 40 सैनिकों के बदले हम 80 सिर नहीं देख लेंगे, मैं समझता हूँ देशवासियों के सीने पर ठंडक बिल्कुल नहीं पड़ेगी। सीमा के बाहर जा करके, सीमा के भीतर रह करके भी जो बेहतर से बेहतर हो सकता है, पूरा देश सरकार के साथ है, वो किया ही जाना चाहिए। इसमें चुनाव उनाव की कोई बात मायने नहीं रखती। आप मुझे बताइए, 1971 में जब युद्ध हुआ था, 6 महीने बाद चुनाव होना थे 72 में, लेकिन किसी प्रकार न तो किसी देशवासी ने राजनीति पर सोचा, न सरकारों ने राजनीति पर सोचा, न पक्ष ने सोचा, न विपक्ष ने सोचा। यही कारगिल के समय भी हुआ। मैं समझता हूं इस वक्त सारी बातें छोड़ करके जो राहुल जी ने कहा, सारे के सारे लोगों को सेना के साथ और सरकार के साथ खड़े होना ही चाहिए। ये देश की अस्मिता का सवाल है, उसकी पहचान का सवाल है, उसके मान का सवाल है। हम ये दावा तो करते हैं कि आज का ही दिन था वो 14 फरवरी, हमने पिछले साल 103 सैटेलाइट एक दिन में इसरो से करके हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। ये दावा तो हम करते हैं, वर्ल्ड में बहुत आगे हो गए, हम दुनिया की दूसरी नंबर की सेना में आते हैं, लेकिन ये हमको अब जमीन पर भी दिखना चाहिए। और जो लोग भी ऐसे मौके पर मानव अधिकार की इसकी उसकी बातें उठाते हैं, उनकी बातों को बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एक लक्ष्य बना करके आगे बढ़ना है, सरकार को भी, देश को भी, समाज को भी और सेना को भी। बिल्कुल, एक लक्ष्य बनाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन हमें लड़ना किससे है ये भी तय करना बेहद ज़रूरी है। तिवारी जी, पुरुषोत्तम तिवारी साहब, आपने शुरुआत पत्थरबाजों से भी की थी, मानव अधिकार से भी की थी, सवाल भी यही उठ रहे थे, लेकिन एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ हम अपनी चीज़ों से भी जूझते रहते हैं, और जिस तरह से ये फिदायीन हमला हुआ था, अगर हम इसकी भी बात करें तो वो भी हमारा अंदर का ही व्यक्ति था। तो जाहिर है अंदर और बाहर दोनों तरफ के मोर्चे पर हमें एक जंग लड़नी है, लेकिन क्या हम अभी तक जिस तरह और ये जिस तरीके को अपनाते रहे हैं उसमें और क्या सुधार होने चाहिए और क्या बेहतर होना चाहिए? मेरे बीइंग भूतपूर्व सैनिक, एक्स सर्विसमैन होने के नाते, हम मेरा सुझाव ये है कि जो हमारे पास वास्तविकता में कि अंदर भी है अपने से लड़ना है, बाहर से भी लड़ना है, क्योंकि हमारे यहाँ अंदर के लोगों को, जो घाटी के लोगों को पाकिस्तान सह देता रहा है, उनको मिसगाइड करता रहा है, तो वो स्थिति तो है कि हमारे अंदर से भी लड़ना है। पर जो हम अंदर से लड़ाई करते हैं, हम उनको पहले ठीक करें, कैसे उनको कड़े सबक दें उनको, हम ऐसे नहीं कि वो कुछ हमारे सेना के खिलाफ, हमारे हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ एक्शन कर रहे हैं तो हम उनको छोड़ दें, उनको मानवाधिकार का दुहाई दे करके छोड़ दें। नहीं, यदि किसी ने गलत किया है उसकी सजा, गलती की सजा उसको मिलनी चाहिए। और क्या ये पाकिस्तान में ऐसा कोई बर्दाश्त किया जाएगा कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान के लोग कहेंगे? कभी नहीं कहेंगे। इसलिए उनको कड़े सबक देना चाहिए। बीइंग एक्स सर्विसमैन, हम ये सलाह देंगे कि अब आर पार की लड़ाई है, चाहे अंदर वालों से भी लड़ना है या बाहर वालों से लड़ना है, उनको दंड मिलना चाहिए। और ज़रूरत पड़ी तो मैं अपने भारत सरकार से निवेदन करूँगा और अपने सेना अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि हम भूतपूर्व सैनिकों की सेवा आदि आवश्यकता पड़ती है, हम लोग उसी जज्बे और जोश के साथ वहां लड़ाई के मैदान में पहुंचेंगे और अपने दुश्मनों से लड़ाई लेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छे जज्बात हैं आपके। क्या लगता है आपको कि सिर्फ अंदर
इसी तरह से आपस में लड़कर, आपस में युद्ध करके अंदर काम चलेगा, या कोई कूटनीतिक रूप से भी एक और बेहतर विश्वास का माहौल बनाए जिससे हमारे अंदर जो भटके हुए लोग हैं या जो भटक सकते हैं उन्हें, आप कह रहे हैं पाकिस्तान बरगलाता है, तो हमें उनमें एक बेहतर भाव, एक बेहतर जज्बा पैदा करने की भी ज़रूरत है। बिल्कुल, हमारे पास हमारे अंदर के जो लोग हैं उनको हमको गाइड करके, उनको समझा करके रास्ता में लाना चाहिए, ये तो वास्तविकता है। परंतु यहाँ पर जो आदमी साधारण बात से नहीं समझ पाते हैं तो उनको दंड देना जरूरी हो गया है। यदि एक को दंड दिया जाएगा, दो को दंड दिया जाएगा तो उसका फर्क पड़ेगा। इसके साथ साथ सरकार से मैं आह्वान करूंगा कि वो कूटनीतिक तौर पर वो किस तरह से स्टेप ले सकते हैं हमारे लोगों को समझा करके, बुझा करके, उनको दोनों प्रयास होना चाहिए। हर मोर्चे पर प्रयास होने चाहिए, हर मोर्चे पर प्रयास होना चाहिए। बिल्कुल, उनको समझा करके भी रास्ते में लाने के लिए। रमेश शर्मा जी, पूरे देश में आक्रोश है और जम्मू कश्मीर में तो आगजनी हो गई, तनाव हो गया, कर्फ्यू तक लगाना पड़ा, तो क्या ये विरोध का तरीका, क्या इससे हम विरोधी या दुश्मन देश को, जिसको अब हमने अपने फेवरेट उससे तो हटा ही दिया है, इसलिए कि वो कभी हमारा मोस्ट फेवरेट नेशन था, उसमें हमने हटा दिया है उसे, अब उसकी प्रक्रिया है, उसको हम पूरा भी करेंगे, उम्मीद यही की जाती है, तो क्या हम उसे इसी तरह से जवाब देंगे कि हम आपस में लड़ने लगें, एक दूसरे पर निशाने साधें, एक दूसरे पर शंकाएं करने लगें, और यही इस दिशा में हम इस बहस को ले जाएं? आपसे रमेश शर्मा साहब। अच्छा, नहीं, स्वाभाविक रूप से जैसा कि मैंने कहा, इस समय खून जरूर खोल रहा होगा लेकिन दिमाग को ठंडा रखने की जरूरत है। इस समय किसी तरह के भी विरोध प्रदर्शन की, सड़क पर निकलने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं। हम अपने मनोबल शक्ति से सेना को और सरकार को मदद दें। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का भी कोई फायदा नहीं है। हम लोग आपस में, बाई दबे किसी से कोई शिकायत भी है तो वो आपस में आगे पीछे निपटते रहेंगे। इस वक्त तो सारी चीजों को एकजुटता की जरूरत है। किसी पर भी किसी तरह का अविश्वास करने की जरूरत नहीं है, किसी पर किसी तरह का अतिरिक्त विश्वास करने की भी जरूरत नहीं। हम विश्वास और अविश्वास से ऊपर उठ करके सीधी लाइन पर चलें। आपस में इस वक्त अगर हम आपस में झगड़ा करेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमारी एनर्जी जो है वो आपस में खत्म होगी और दूसरे को ताली बजाने का मौका मिलेगा। इस वक्त तो पूरे देश को शांत चित्त से एक रणनीति पर काम करना, खून में भले उबाल हो लेकिन दिमाग को ठंडा रखना, हर कदम सोच समझ करके चलना है और कुछ दिन इंतजार करना है कि सेना क्या कदम उठाती है और सरकार क्या कदम उठाती है। सवाल अगर सरकार को कोसने का है, सेना को कोसने का है, तो वो हमारी सेना है, हमारी सरकार है, हम कभी भी कोसते रहेंगे, कौन सी कल प्रलय होने वाली है। लेकिन अभी सेना को और सरकार दोनों को कुछ वक्त दिया जाना चाहिए कि वो कब कदम उठाते हैं। जब नहीं उठाएंगे तब हम उनको बिल्कुल पूरी ताकत के साथ घरे आएंगे, लेकिन ये समय किसी पर भी, ना सरकार पर भी, ना विपक्ष पर भी, ना जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर भी किसी तरह के घरे आने की जरूरत नहीं है। उनको भी हाथ जोड़ के कहना है कि भैया तू प्रदर्शन बाद में कर लेना, अभी जरा सा चुप रहे, सरकार को तेरी ताकत की जरूरत है। सवाल यही है आपसे भी, यही सवाल था आपसे भी मेरा। निश्चित पर जो आप माननीय शर्मा जी कह रहे हैं कि कोई गरिया रहा है, कोई बोल रहा है, नहीं, आज देश में जो हो रहा है, वो जो सामने आ रहा है, उसको भी ध्यान देना चाहिए। मध्य प्रदेश में एक सैनिक मारा गया है जो शहीद हुआ है, उसके 6 माह का बच्चा जब उसको मुखाग्नि दे रहा है तो वहाँ की जनता को समझ में आ रहा है, वहाँ का जो निवासी है, उत्तर प्रदेश में 12 लोग शहीद हो गए, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जब राजस्थान के अंदर शहीद का शव पहुंचा तो पूरा का पूरा शहर उमड़ पड़ा। वहां पर जब किशन सिंह जी के पार्थिव शरीर को देखा तो कितनी भावना है, कितना आदमी रो रहा था, वो व्यक्ति का उससे कोई लेना देना नहीं था। जब शहीद नसीर अहमद जी के घर में, परिवार में उनका शव पहुंचता है तो वहां पर कोई रो नहीं रहा था, वहां भारत माता के नारे लग रहे थे। तो ये देश की संस्कृति है, ये देश की सोच है, यहां कोई किसी सरकार या व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहा है। यहां आदमी ये देख रहा है कि आज हम पे हमला हुआ है और हम इसलिए दुखी हैं क्योंकि जब पठानकोट पे हमला हुआ, या जब कभी गुरदासपुर पे हमला होता है, जब हमारे उरी में हमला हुआ जहां हमारे 19 सैनिक मारे गए, सैनिक सो रहे थे,
आज हमारे ये 44 सैनिक मारे गए बिना नियते चले जा रहे थे। इंटेलिजेंस की पूरी खबर थी कि यहां पर हमला हो सकता है। हम फेल हुए हैं, इस सरकार फेल हुई है, और सरकार की फेलवर्टी की जवाबदेही तो सरकार को ही देनी पड़ेगी। सरकार का विरोध नहीं करते हैं, सरकार के बारे में हम आज उनसे सवाल नहीं उठा रहे हैं कि आखिर क्या है, पर सरकार को देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने बोला कि इंदिरा जी ने उदाहरण देश को दिया था कि जब लग रहा था कि पाकिस्तान हमारे लिए सरदर्द बनेगा तो दो भाग कर दिए, आज सरदर्द बन गया है। चलिए तो आज उस पर हमला करो, लड़ाई करो, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे ही लूंगा, इसलिए कि सारा देश उम्मीद लगाए बैठे। शर्मा जी अच्छी बात बोले कि बंगाल हमने अलग किया, बांग्लादेश जो अलग किया, पर उसमें मूल रूप से वहां के नागरिक हमारे साथ थे। आज हमारे को अगर ये जो आतंकी हमला हुआ है तो कहीं ना कहीं ये हमारे ही कोई नागरिक ने वहां जाके इस पूरे इंटेलिजेंस की भी थ्योरी यही है कि जब अगर देश का नागरिक दुश्मन से नहीं मिले तो ये हो नहीं सकता, और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जो ऐसे तत्व हैं उन पर सख्ती से कार्रवाई हो कि ये जो अपने देश में ही पाकिस्तान के जो दुश्मन पैदा हो गए हैं उनको उनका या तो उन पे वाच रखी जाए और या उन पे सख्त कार्रवाई की जाए। ये जो इज़राइल का किस्सा है, अगर ऐसे पत्थर कोई फेंक देता है उनकी आर्मी पे ऐसे वार टाइम में तो उसको शूट आउट कर देते, और हमारे यहाँ सब उसके बारे में हाय हाय करने लगते हैं। ये भी निश्चित ही कहीं ना कहीं सेना का मनोबल खराब करता है, गिराता है। हमको सब क्षेत्रों में सब मतलब इंटरनली एंड एक्सटर्नली सख्ती से व्यवहार करना होगा। आदरणीय विद्वान जी, मैं प्रधान जी से कहना चाहूंगा कि प्रधान जी यही तो अपेक्षा कर रहे हैं, और आज से नहीं कर रहे, पिछले 4-5 साल से जब से एक सर के बदले 10 सर की बातें हुई थी उस पे अपेक्षा हमारी यही है। दुर्गेश शर्मा, फिर भी पत्थरबाजी दुर्गेश शर्मा ये चर्चा एक सही दिशा में है जी, और अब वक्त भी हो गया है और हम विदा लेंगे, और विदा के साथ कुछ विजुअल छोड़ जाएंगे अपने दर्शकों के लिए जो लाइव विजुअल आ रहे हैं अभी हमारे पास। पुरुषोत्तम तिवारी आप हमारे साथ जुड़े, दुर्गेश शर्मा आप हमारे साथ जुड़े, शैलेंद्र प्रधान आप हमारे साथ जुड़े, और रमेश शर्मा आप हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस सवाल यही है कि जिसका नाम पाकिस्तान रखा गया था उसके पाप इस हद तक बढ़ गए कि हमें अपने कार्यक्रम का नाम भी पाकिस्तान ही रखना पड़ा। तो अब जवाब देने का वक्त आ गया है, इधर उधर की बातों से काम नहीं चलने वाला है। जवाब का मतलब युद्ध होता है या जवाब का मतलब कूटनीति होता है, ये तो देश, जनता, सरकार, विपक्ष सबको तय करना है, लेकिन जवाब इतना माकूल होना चाहिए कि फिर दुश्मन इस तरह से सर ना उठा सके, हमारे सीने पर ऐसी गोली ना दाग सके, हमारे चीथड़े ना उड़ा सके, और सड़कों पर हमारे शहीदों का लहू ना बहे। जवाब तो देना है, जवाब देना ही पड़ेगा, और ये तय है कि पाकिस्तान तेरी खैर नहीं, पूरा हिंदुस्तान एक है। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। कार्यक्रम के प्रायोजक थे पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।